नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लीली और रुक करते हैं इस वक्त की खबरों का। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बुलंदशहर के लखावटी क्षेत्र में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे से शुरुआत करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अखिलेश यादव पर भी कई वार किए। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव से पहले जो लोग हिंदुओं को आतंकवादी बनाने में जुटे हुए थे, वो अब अपने आप को हिंदू बताने में जुटे हैं। आपके वर्तमान लोकप्रिय सांसद और आपके भावी सांसद दोनों चीजें कह के आ रहा हूं, ठीक है ना? 15% केवल आपको मिलता, 85% ये खा जाते। 2000 में से 300 आपको मिलता, 1700 इनकी जेब में चला जाता। और मोदी जी ने कहा है कि मेरे देश को, मेरे किसान को, मेरे गरीब को लूटने वालों, मेरी पहली बार ये तो मैंने भ्रष्टाचार रोका है और भ्रष्टाचारियों को पता लगाने का काम किया है। मेरी दूसरी पारी जब शुरू होगी तो जिसमें भी देश की जनता को, देश को लूट करके अपनी तिजोरियां भर करके रखी है, एक एक पाई वसूल करके उन्हीं गरीबों, उन्हीं किसानों, उन्हीं जरूरतमंदों की झोली में डाल देने का काम करूंगा। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दावा किया कि प्रथम चरण में हुए उत्तर प्रदेश के चुनावों में बीजेपी सभी 8 सीटों पर भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। कल पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले फेज का जिन्होंने शामिल है चुनाव समाप्त हुआ और मैं खबर देने के लिए आपके बीच में आया हूं। कल शाम को 6 बजे पोलिंग समाप्त हुई और अंदाजा लग जाता है सबको कि चुनाव जीते न हारेंगे। बुलंदशहर से मेरा विशेष लगाव रहा है आपके बीच, लगातार आना जाना मेरा बना रहा। मैं आपको ये बताने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत रहे, किसी एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। और मुझे फिर की एक बात बताता हूं आपको, लाखों वोटों से चुनाव जीत रहे, उससे कम चुनाव अगर जीते तो मैं चुनाव को जीता होने वालों का आपके बीच में बताना चाहता हूं। बुलंदशहर से यतिन शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के बैतूल में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बगावत हो गई है। टिकट न मिलने से नाराज आदिवासी नेत्री पुष्पा पेंद्राव ने कांग्रेस छोड़ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का दामन थाम लिया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव पुष्पा पेंद्राव ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और पद से इस्तीफा देकर शुक्रवार को गोंगपा से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद पुष्पा ने यह कहा कि पिछले 20 साल से कांग्रेस की सक्रिय सदस्य होते हुए भी वो विधानसभा और लोकसभा की टिकट मांग रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं की उपेक्षा की है, कभी महिलाओं को तवज्जो नहीं दी। भाई मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, किसी के कहने से कोई लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है क्या? आप बताइए, उनसे पूछिए जो ये बात बोल रहे हैं कि किसी के कहने से कोई लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ये मेरा विवेक है, हमारी पार्टी का निर्णय है कि गोंडवाना पार्टी का निर्णय है कि पुष्पा पेंद्राव को प्रत्याशी बनाया जाए। बैतूल से अमित पवार की रिपोर्ट। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का रुकेंगे, यहाँ पर ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। संजय गांधी के करीबी रहे राज्यसभा सांसद और वर्तमान में यूपी के सुल्तानपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह ने मेनका गांधी के मुस्लिम समुदाय पर तंज कसने वाले बयान पर पलटवार किया है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि मेनका बीजेपी की मंत्री है, वो इस देश की डिवाइड करने की पूरी कोशिश में है, लेकिन इस देश का संविधान और कांग्रेस की सोच लोगों को प्रेरित करेगी कि आई हूँ। और अगर आप पीलीभीत में पूछ ले, अगर पीलीभीत का एक भी बंदा फोन से आप पूछ करके पूछे कि मेनका गांधी कैसे थी वहां, अगर आपको लगे कि कहीं हमसे गुस्ताखी होगी तो हमको वोट मत देना। लेकिन अगर आपको लगे कि हम खुले हाथ और खुले दिल के साथ आए कि आपको कल मेरी जरूरत पड़ेगी, ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, अब जरूरत के लिए नींव डालना है तो ये है वक्त। आपका जब पोलिंग बूथ का आएगा रिजल्ट और उस रिजल्ट में वोट निकलेंगे और या 50 वोट निकलेंगे तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ, समझ गए आप लोग? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं
उनको इस देश को डिवाइड करने की पूरी कोशिश में है, लेकिन इस देश में संविधान, इस देश में कांग्रेस की सोच प्रेरित करेगी। इसमें हिंदू और मुस्लिम को बांट करके दो तरह से देखा नहीं जा सकता। सुल्तानपुर से राजू सोनी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए ब्रिज तैयार है और 18 अप्रैल को आगरा सहित फतेहपुर सीकरी और मथुरा सहित अन्य जिलों में मतदान होना है। ऐसे में स्टार प्रचारक एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया आगरा में रोड शो करने पहुंचे, जो पूरी तरह से फ्लॉप शो रहा। लोगों की भीड़ इतनी कम थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीच में ही रोड शो छोड़कर वहां से रवाना हो गए। लोगों की माने तो कांग्रेस अब विश्वास पात्र नहीं रही। कांग्रेस ने 70 सालों में देश से गरीबी भी दमन नहीं की और देश को और 50 साल पीछे कर दिया है। देश की जनता आज बदलाव चाहती है। देश की जनता चाहती है कि एक लोकतंत्रवादी सरकार स्थापित हो, एक ऐसी सरकार स्थापित हो जिसकी कथनी और करनी में अंतर न हो, एक जुमलेबाज वाली सरकार नहीं लेकिन तथ्यों के ऊपर आधार सरकार, एक समर्पित सरकार, एक ऐसी सरकार नहीं जो लोगों के आंखों में धूल झोंके, लेकिन एक ऐसी सरकार जिसके आधार पर लोगों के आंसू पहुंच पाए, यही हमारी सोचों के जाता है। आगरा से रविंद्र सेजवार के साथ ब्रजेश सिंह की रिपोर्ट। और मेरे साथ बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।